यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। खबरों का रुख करेंगे लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सोनीपत से इस वक्त, जहां 4 साल की बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने मेडिकल करवाकर मामला दर्ज भी कर लिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सोनीपत से, जहाँ पर आपको बता दें कि एक बच्ची के साथ में बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, छानबीन जारी है, छापेमारी पुलिस की ओर से की जा रही है। तो वहीं मेडिकल करवाकर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। सोनीपत का ये मामला है जहां 4 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने मेडिकल करवाकर मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है, छापेमारी लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर सोनीपत से, जहां 4 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार का मामला सामने आया है और साथ ही इस मामले में पुलिस ने मेडिकल करवाकर मामला भी दर्ज कर लिया है। तो वहीं पुलिस की ओर से आरोपी की तलाश लगातार जारी है, छानबीन चल रही है, छापेमारी चल रही है और साथ ही आरोपी को पकड़ने का पुलिस जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। सोनीपत में 4 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में सत्र के दौरान ये संशोधन किया गया था कि अगर 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ में, बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है तो फिर दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी की सजा का प्रावधान हाल ही में संशोधन करके सत्र के दौरान किया गया, लेकिन अब इसके बावजूद भी बलात्कार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और 4 साल की एक मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार का मामला सामने आया है।